रोजगार पर सुक्खू की भाजपा को दो टू। अपने रिश्तेदारों को भर्ती करने के लिए पुलिस का पेपर हुआ तो उसको लीक करवा दिया। पेपर लीक में पिछली सरकार से क्या हुई थी चू? पुलिस भर्ती लीक हुई, सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड जो है हमीरपुर में था, वहाँ पेपर बेचे जाते थे। मेहनती बच्चे क्यों नहीं हो पाए एडजस्ट? जो बेचारा पढ़ा लिखा माँ बाप का गरीब माँ बाप का बच्चा मेहनत कर रहा था वो सिलेक्ट नहीं हुआ, जिसने पेपर बेचा और खरीदा वो सिलेक्ट हो गया। क्या रिश्तेदारों के लिए पेपर होते रहे सेट? एक साल में हम सरकारी क्षेत्र में 20,000 लोगों को रोजगार दे रहे। एक साल में 20,000 सरकारी नौकरी का दावा? इन्होंने 5 साल में 20,000 लोगों को रोजगार नहीं दिया। तो क्या 5 साल तक भाजपा करती रही दिखावा? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 पर यानी टॉप पर पहुंच गया है। ऐसे में अब रोजगार के मुद्दे को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। एक तरफ जहां भाजपा सुक्खू सरकार पर अपने वादे से मुकरने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पिछली जयराम सरकार पर पेपर लीक जैसे आरोप लगाकर पलटवार करते दिख रही है। इसी कड़ी में सिरमौर पहुंचे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रोजगार के मुद्दे पर भाजपा पर जमकर हमला बोला, या यूं कहें कि जयराम ठाकुर पर सबसे बड़ा आरोप तक लगा दिया। आप खुद सुनिए। हमने एक साल के भीतर, अभी एक साल बना हुआ है, 20,000 रोजगार के अवसर प्रदान किए, और ये 31 मार्च से पहले सब जगह एडवर्टाइजमेंट इनकी हो जाएगी। 6,000 TGT मेडिकल, नॉन मेडिकल, JVT, शास्त्री, बैच वाइज भर्ती शुरू हो गई है, कई जगह तो बैच वाइज खत्म भी हो गई है। अब जो बैच वाइज के अलावा 50% है उसका टेस्ट होना है। 1261 स्पेशल कमांडो फोर्स की भर्ती कर रहे हैं, और उसमें भी 30% हम महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं। 984 पटवारियों की भर्ती कर रहे हैं, 2061 वन मित्र की भर्ती कर रहे हैं, 600 स्टाफ नर्सिस की भर्ती कर रहे हैं, OTA की भर्ती कर रहे हैं, और तकरीबन 9,000 IPS डिपार्टमेंट में फीटर, इलेक्ट्रीशियन, मल्टीपर्पज वर्कर, पंप ऑपरेटर इनकी भर्ती कर रहे हैं। एक साल में हम सरकारी क्षेत्र में 20,000 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। सबको सरकारी क्षेत्र में रोजगार नहीं मिल सकता, लेकिन रोजगार के अवसर पैदा किए जाते हैं। तो हमारी सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए भी आगे बढ़ रही है। इनके समय क्या होता था? इन्होंने 5 साल में 20,000 लोगों को रोजगार नहीं दिया, पूरे 5 साल में, और जब रोजगार निकाले तो अपने रिश्तेदारों को भर्ती करने के लिए पुलिस का पेपर हुआ तो उसको लीक करवा दिया। पुलिस भर्ती लीक हुई, फिर देखिए सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड जो है हमीरपुर में था, वहां पेपर बेचे जाते थे, इंटरव्यू निकले और इंटरव्यू में जो बेचारा पढ़ा लिखा माँ बाप का गरीब माँ बाप का बच्चा मेहनत कर रहा था वो सिलेक्ट नहीं हुआ, जिसने पेपर बेचा और खरीदा वो सिलेक्ट हो गया। हमें पता लगा, हमारी सरकार बनी, हमने जाल बुना, और जो पेपर बेचने वाले लोग थे, जो भर्ती में सिलेक्ट हुए लोग थे, आज सब सलाखों के पीछे है, और हमने उस सबॉर्डिनेट सिलेक्शन को भंग किया। आज नया राज्य चयन आयोग बना है, कई भर्तियां इनके समय थी, JOIT वाले अभी भी मुझे मिले 817 वाले, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक चले गए। ये सरकार लड़ाई नहीं लड़ सकी, हमने लड़ाई भी लड़ी, जीते भी, अब उनके रिजल्ट भी निकाले। तो सुना आपने, ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पिछली जयराम सरकार में पेपर सिर्फ इसलिए लीक होते रहे
कि भाजपा नेताओं को अपने रिश्तेदारों को नौकरियां देनी थी। क्या पिछली सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल में 20,000 सरकारी नौकरियां नहीं दे पाई? अब मुख्यमंत्री के इन आरोपों में कितना दम है या कितनी सच्चाई है, ये तो जनता ही जानती है। लेकिन ये बात तो सच है कि आज हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 पर पहुंच चुका है। 1 महीने पहले की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 15 से 29 वर्ष के उम्र समूह के बीच हिमाचल के शहरी इलाकों में 33% युवा बेरोजगार है। इस मामले में 30% बेरोजगार के साथ राजस्थान दूसरे नंबर पर रहा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के जुलाई सितंबर 2023 तिमाही के लिए श्रम बल सर्वेक्षण आंकड़ों में ये बात सामने आई है। आंकड़ों में पता चला है कि शहरी क्षेत्रों में 15 से 29 आयु वर्ग की महिलाओं में बेरोजगारी दर 1 तिमाही में हिमाचल प्रदेश में 49% के साथ सर्वाधिक रही, जबकि पुरुषों की बेरोजगारी दर 25% रही। तो वहीं दूसरी तरफ हिमाचल में पिछले 3 साल में 1 जनवरी 2023 तक प्रदेश के मात्र 39,769 युवाओं को रोजगार मिला, जबकि हिमाचल में 14 लाख के करीब बेरोजगार हैं। सितंबर 2023 में हिमाचल विधानसभा सत्र के दौरान मंत्री धनीराम शांडिल ने यह जानकारी दी थी। हालांकि हिमाचल सरकार के आंकड़े बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 8,77,000 के करीब लोग बेरोजगार हैं। ये बात तो सच है कि पिछली डबल इंजन की जयराम सरकार ने कोरोना काल जैसी महामारी देखी थी, और ये बात भी सच है कि सुक्कू सरकार ने आपदा जैसी त्रासदी देखी है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों के रोजगार को लेकर अपने अपने दावे हैं, लेकिन ये तो आपको यानी प्रदेश की जनता और युवाओं को तय करना है कि उनको कौन धोखा दे रहा है और कौन उनका हितैषी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में किसका काम बेहतर लग रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद।